के खड़ा है टाट वाले गुब्बारे गुफा के और रस्ते से नीचे उसकी सूढ़ा दांत सामने। ओरे मेरे हाथी मैं भागा मैं वही भागा। जल्दी शादी वाली बात का शर्मा जी ने भी जिक्र किया था कि 25 साल और 21 वो बिल्कुल ठीक रहती है। देखिए मैं ना कल भी आई थी यहाँ पे तो तब मुझे पता चला कि ये हवा से मर गए बेचारे। कल शाम को शिवांगी का मैसेज आया, क्या कर रही है? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कि फिर गायब हो गई। अब वो गायब हो गई तो मुझे टेंशन हो गई। उसने ना इंस्टाग्राम पे बड़ी सैड स्टोरी लगा रखी थी, मतलब पता नहीं कुछ ऐसी डिप्रेशन वगैरह वाली स्ट्रोक वाली लगा रखी। मेरे को हो गए थे 3-4 दिन बात किए हुए उससे, तो मैंने कहा चलो अभी उसकी देखूँ तो बात करूँगी। अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि दो दो जॉब कर रही है अपने तो अपने लगी हुई है। वो तो करके सो गई और उसके बाद वो स्टोरी देख के मेरा दिमाग पहले ही ख़राब था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, टेंशन। मैंने इतने फ़ोन किए, रात को फ़ोन किए, मम्मी सो रही है, बट सुबह कह रही क्या बात थी? मैंने कहा तूने क्यों? कह रही मैंने तो ऐसे ही किया था, मेरी नींद ख़राब कर दी तो मेरा दिन वो भी ख़राब हो गया ना। सुबह मैं घूमने गई, वो टेंशन हो गई एकदम से कि क्या हो गया ऐसा। अब अपने लिए नहीं होती, बच्चों के लिए तो होती है भैया। ऐसे झटके लगते हैं। देखो मैं पता चला कि कल भी नहीं आई हमारे यहाँ काम करने के लिए और आज भी है। तो शुक्र है कि मैं इतना ज़्यादा काम छोड़ के नहीं रखती हूँ। मैंने कल ग्रहण की वजह से सारे बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए थे तो साफ पड़ा है, घर भी साफ। वो शुक्र है दिया घर पे है तो मम्मी और बेटी दोनों मिलके काम करेंगे। एक दिया का मूव हो गया, उधर दिया पड़ रही है तो मैं कमरे में आ गई और मेरा ब्रेकफास्ट वही। कल मैंने एक भी चाय नहीं पी, एक भी नहीं पी, आज भी नहीं पी अभी तक। तो मैंने कहा तू छोड़ सकती है तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। अच्छा निकलती नहीं है, 2:30 बजे आने के बाद निकलेगी नहीं। मैंने कहा मुझे पता है तू डिप्रेशन में है तो शाम को तो निकल 2:30 बजे आने के बाद। एक्चुअली 3-3, 4-4 उनकी चाय ज़्यादा होती थी, भैया रहते थे ना तो 3-3, 4-4 चाय हो जाती थी। अब एकदम छोड़ना भी तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये इससे हेल्दी फ्रूट खाना क्या होगा ब्रेकफास्ट। मैंने बड़ी जल्दी जल्दी चावल, देखो लड़की ने बंद नहीं किया, दाल चावल और भरता बनाया फिर फटाफट से। देखो कितना बढ़िया ये खाएगी कोई, ये भरता मेरे को ही खाना पड़ेगा 2 दिन तक और मेरे को जाना है अभी बैंक। शर्मा जी का एक अकाउंट बंद करना रहता है अभी, वो कुछ काम पेंडिंग था इसलिए बंद नहीं किया था, अब जाके उसको फाइनली बंद करवा के आ। एक तो मेरे ये जो नीचे वाले कान बंद करवाए थे ना ये खुल गया एक अपने आप ही, पता नहीं कैसे खुला है। अभी इसमें हल्दी वल्दी लगाते लगाते पता नहीं ऐसे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। और इसीलिए मैं ना यहाँ नहीं करवाना चाहती थी, दिल्ली करवाना चाहती थी कि जब दिल्ली जाऊँ, पर फिर मुझे भी जल्दी लगी थोड़ी। कितनी शांति है सोसाइटी में, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब अपने काम में लगे हुए हैं ना। ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आती हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी, वहाँ कितना ट्रैफिक चलेगा हमारे को आवाज़ नहीं आएगी। जी हाँ, जिनके घर उधर उस साइड है ना उनको आवाज़ आती है, बीच वाले एरिया में नहीं आती। नॉर्मल इसे नॉर्मल काम करवाती हूँ घर के। देखिए कितने अच्छे फूल है ना, देखिए वाह। तो अब मैं इसको अपने साथ बैंक ले जा रही हूँ, बैंक में ये फॉर्म भरेगी जमा करेगी तो कुछ तो सीखेगी। ऐसे हम ही करते रहेंगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा। भाई साहब की कॉल आई होगी तो बीच में रुक के सुन रहे हैं, बताओ बीच में बिल्कुल गली में बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है। ऐ दिया तू तो, तेरे को तो बैंक पता है, मैं तो हमेशा आगे निकल जाती थी यहाँ से, अभी भी मैं सोच रही थी आगे जाना है। एक पजेब लेनी पड़ेगी अपनी, इसकी बाली ठीक करवानी है। भैया से ही कान कराए थे, एक तो ठीक कह रहे हैं, एक कह रहे हैं मैं रिपेयर कर दूंगा अभी देख लो टाइम है। वैसे मुझे लगता नहीं है भैया, मेरे को घड़ी लेनी है, मेरे कमरे की घड़ी बंद है, समय बंद पड़ा है मेरी कमरे में, कोई समय की वो नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरे जैसी कौन अंधेरे में भी दिख जाए ऐसी मुझे। बियर को डर है कोई कैमरा लेके ना भाग जाए।
खाने की चीज जाएगी नहीं जाएगी, डस्टबिन की पन्नी जरूर आएगी। बहुत बड़े बड़े पन्ने हैं, यहीं पे ही है दुकान येरी, इस कोने में घुस के। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, 10 पैकेट लूंगी। मुझे ना बोलो कि इनका साइज पता नहीं था, तो ये अंकल पता है क्या है, पापा जी लेते थे ना, मेरे अंकल को याद है मेरा, अपने आप ही पन्नी निकाल देते हैं उस साइज की। मंदिर में जाना, तिरुपति में जाना, तिरुपति तिरुमला तिरुपति। 11 बजे गई थी, 11:30 बजे, और 4 बज रहे हैं। सपना के पास चले गए थे बीच में, फिर वहाँ चाय पी आए, वहाँ बैठ गए। आज हमारी पूरी सोसाइटी धोई हुई है, पता नहीं किस खुशी में धो रखी है। थोड़ा समय को ठीक किया जाए, मैंने ये वाली घड़ी ली है, हालांकि मैं वाइट खरीदना जा रही थी, ये ठीक है, 4 ही बजे हैं। और लेके भी स्मूथ वो वाली आई हूँ, ताकि ज़िंदगी में झटके झटके बहुत लग चुके हैं। और देखो वो भी स्मूथ ही थी हमारे जो कमरे में थी, पर वो ख़राब थी। ये रूपा देखो, ये मेरे को चेप हो गई है। अभी तो बोला कि दोस्त बन गए, पर ये चेप हो गई है, दिन-दिन में बदलती रहती है, कमाल। और ये लतिका को लेके आई है, लतिका हम मैंने भैया से बोला था, मैंने कहा परियों के देश चलो, तो ये कह रही है क्या करी मेरी बद्दुआ लगेगी, मेरे को नहीं लेके जाएगी तो पाप लगेगा। हाँ पाप, बद्दुआ एक ही तो होती है, ए, बद्दुआ नहीं देती मैं कभी किसी को, तो पाप तो एक ही होता है, ना माता नहीं देगी ना, वो मैं नहीं दूंगी। एक हमारे चैनल पे भैया आए थे, सागर भैया, वो मेरा वीडियो उन्होंने देखा, तो उनका एक्चुअली उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर था, तो मैंने उनको वो जो स्लिप मिली थी ना वो शेयर कर दी थी, और वो मुझे फोटो खींच के भेज रहे थे कि भाभी जी मैं पहुंच गया। वो इनसे भी मिले थे कि आपको दिखाया था, वही आश्रम में ही रुके थे, आश्रम में रुके थे 3 दिन ही रुके। हाँ, लतिका आप कहाँ से हो? मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से आई हूँ, और ये शादी नहीं कर रही है, मतलब कर कह रही है, करना चाहती है 30-40 कितनी 39, तो मैं कह रही हूँ क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ धर्म के नाम पे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे शादी के बारे में। और पति और बच्चे जबरदस्ती आ रहे हैं पकड़ने के लिए, लेके जाने के लिए आ रहे हैं, ये थोड़ा संन्यास लेना जा रही है। हाँ, तो ये ऑलरेडी ले चुकी है, घूमती फिरती है, ये बंजारों वाली लाइफ लीड कर रही है, ये खेत पर्वत परियों के देश भी होके आ चुकी है। फिर से वो बंधन में बांधना चाहती है, कहती है कि वो ख्वाहिश अगर रह जाए तो फिर पिछले जन्म रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कर लो, अगर आपकी ख्वाहिश है ना, देखो फिर, हाँ। फिर अगर नहीं, अगर मन में इच्छा है तो फिर कर, फिर अगर मैच नहीं किया तो छोड़ देना, बेचारा क्या होगा पता नहीं, मतलब ये गुड्डे गुड़िया का खेल होता है इसके लिए। वैसे ही है ना, अगर मैच करना चाहिए इसको, अगर नहीं करेगा तो फिर बन जाएगा, तो मैच करने के लिए ढूंढने के लिए और टाइम लगेगा, फिर कितने साल लग जाए, पता चले 50 साल की उम्र हो गई तब कह रही है, मैं कह रही मेरे चैनल पे जोक बना रहे हो, जोक तुमने कर लिया, अब मम्मी पापा देखेंगे 39 साल में अभी तक मैच करने वाला नहीं ढूंढा है। मेरी और इनकी हमारी एंगेज मैरिज थी, ठीक है, हमारे तो जबरदस्ती मैच हो ही जाते थे उस टाइम पे, फिर छोटी एज में मैच होते हैं तो वो मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी भाई, ये 25 के थे, मैं 20 की थी, 21 की, तो वो अपने आप ही लड़ झगड़ के अपने आप मैचिंग बैठ गई। ठीक ठाक हिसाब से एज में तुम शादी करो ना, तो वो रहते रहते हैबिट बन जाती है, आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है ना, नहीं हाँ छोटी एज में, छोटी एज सही कह रही हो, तो मोल्डिंग भी, ये भी चाहते थे कि बेटी की, मेरी बेटी जैसे 25 साल तक वो कर ले, लेकिन वो कहती है 28, मैंने कहा 28 तो मेरे को भी डर लगता है, 28 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, आजकल के लोग नॉर्मल हमारे में नहीं मानते, जैसे हमारे में लोकल्स में जल्दी शादी कर देते हैं, वो पेशेंस ना लाइफ में रखना पड़ता है, और वो आजकल के बच्चों में दोनों में नहीं है, ना हस्बैंड में ना वाइफ में, अगर वाइफ कमा रही होगी तो वो कहेगी मैं तुमसे ज्यादा हूँ, और हस्बैंड तो फिर हस्बैंड ही है, वो तो फिर ये सोचेंगे कि मैं पुरुष हूँ मैं क्यों दबूँ इसके नीचे, है ना, वो वाइफ कहेगी मैं कमा रही हूँ, बराबर कमा रही हूँ तो मैं क्यों दबूँ, तो इसलिए दोनों की बन नहीं पाती है, फिर एक भी अगर वैसे ही जॉब छोड़ दी लो भाई, ये जॉब छोड़ के हाउसवाइफ बनोगे फिर, है जॉब ही छोड़ दी, चलो भाई अभी शादी कर ही लो, फिर ढूंढ लो, जल्दी से ढूंढ लो ताकि हम भी अटेंड कर ले, जॉब छोड़ दी ये अपने लड़के के लिए, ये देखो सुनो क्या कह रही है, ये अपने लड़के के लिए लड़की देखती है, तो जो लड़की वाले हैं इसकी सहेली वो इसके दोस्त वोस्त बन गए हैं, उनके पेरेंट्स इनके फ्रेंड बन गए, बेटा कह रहा है अभी शादी नहीं करनी, वो करना आजकल के, कितने सारे फ्रेंड बना लिए तुमने, हो गए 4-5 जैसे ये थे 48 के 49 के, तो मेरे को शिवांगी का सपोर्ट मिला,
है ना उस टाइम पे, तो वो कहते थे कि जो पहले वाला प्रोसीजर 21 और 25 के बीच का था वो ठीक था। अभी जो लेट होता जा रहा है ना, और क्या पेरेंट्स इतने बुजुर्ग लगते हैं, पहले यंग लगते थे। मेरी शादी हुई तो हमारी इनकी मम्मी बहुत यंग लगती थी। हाँ, अब बेटी की जब शादी होगी तब पापा को लगेगा दादाजी दादाजी तो... सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उसको एक दो चीज बोली, या तो शादी करनी है। हाँ करनी है। मैंने कहा नहीं तो फिर संन्यास ले ले। मैंने वही बोला, तू मंक हो जाना मिशन में या कहीं पर सेवा। मैंने कहा कोई सेवा करो धर्म के नाम पे, अगर नहीं करनी तो फिर ऐसे मत करो। करी अरे आपने तो शादी कर ली, मेरे को शादी करनी है। तो मैंने कहा फिर डिसाइड करो, एक साइड होके अपने मतलब 21 तक 25 तक अपना डिसाइड करो अच्छे से। आज दिया ने क्या काम किया आंटियों के साथ, देख ये ना पिज्जा लेके आई थी, कह रही बोल मत देना अपनी फ्रेंड को खिलाने के लिए। इन्होंने बोला हम खा के आए, देख आग दिखा रही है, हंस के आग दिखा रही है। इन्होंने बोला हम खा के आए, तो पता क्या बोलती है, पिज्जा आया आंट बस नमस्ते करी और ये बोले हम खा के आए। मैंने कहा फिर भी गलती से तो बोल दे। लड़की ने बोला ही नहीं, इसने बोला तो ये समझ गई कि जैसी मैं हूँ ऐसी आंटियां हैं, कभी गलती से बोल दे ला भाई एक पीस खिला दे तो। बर्गर भी बनाया, टिक्की भी बनाई, मैंने कितनी चीज बनाई, ज्यादातर भटूरे, तुमने भटूरे और हाँ, वो ये सबको देते रहे भाई। वो तो ये भटूरे खाते थे, भटूरे आज तक भटूरे का रिकॉर्ड है, यहाँ पे भटूरे अच्छे नहीं मिले तो हम भटूरे की को प्रेफरेंस में रखते हैं ज्यादा। ये कह रही थी मैं आके हेल्प कराऊंगी, मैंने कहा मैं साथ में जरूर लूंगी, मैं जब मेरे यहाँ कोई खाने आता है इसीलिए मैं लेडीज को साथ में लगवाती हूँ अपने, जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम जेंट्स को बुलाते नहीं है, नहीं लेडीज पार्टी करते हैं बस। ना सुंदर चांद दिख रहा है पेड़ों के पीछे, देखो आज लग रहा है जैसे पूर्णिमा, आज कितना बड़ा लग रहा है, कल तो ग्रहण की छाया थी ना। आज तो बड़ी शीत लहर दौड़ रही है, कुछ ठंडी हवा लगी है। बद्रीनाथ जी भी ना, प्रखर भैया हमारे जो मिलके गए थे, वो बद्रीनाथ गए थे, क्या कहते हैं वहाँ स्नोफॉल हुई है 9 तारीख को, तो तभी थोड़ी थोड़ी शीतलहर यहाँ पर भी लग रही है। तो यहीं पे गुड इवनिंग कर लेती हूँ, उस दिन भी मैं गुड इवनिंग करी थी, किसी ने बोला गुड मॉर्निंग करी है। गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के नज़ारों का आनंद ले रहे होंगे। देखो गंगा जी का जो बीच वाला पैच है ना, और कितना पास आ गया है, तो ये तो बहुत बड़ा पैच पास, जो मैं कह रही थी ना आपको, बिल्कुल टच हो जाएगा और हम फिर वहाँ पर आसानी से जाते रहेंगे, यहाँ से नहीं दिखेगा। कल दिन में दिखाऊँगी मॉर्निंग वॉक के लिए ना, इधर से ही निकल के जाऊंगी कल, तो कल दिन में दिखाऊंगी। सच में बहुत बड़ा हो गया पैच ये, पता नहीं फिर धीरे धीरे ये सब बंद हो जाएगा और वहीं जाना पड़ेगा, मेरी आशंका बढ़ती जा रही है इससे। देखो मुझे कहाँ आना पड़ा है, अरे भाई कितना बड़ा पैच था ना, इसको क्रॉस करके पहले हम यहाँ के बैठते थे, ऐसे कट था ना ये, वो डिज़ाइन बना हुआ था, और यहाँ से गंगा जी बहुत सुंदर लग रही है। कल चांद पे विपदा आई थी और आज देखो फिर से जगमगा रहे हैं, ऐसे ही जीवन है, तो हम मनुष्य ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो डिप्रेशन में नहीं जाते सूर्य चंद्रमा हैं, हम लोग चले जाते हैं भैया, क्यों इनसे सीखो, प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। ब्रजेश जी मिले हैं भाई साहब, और भाई साहब आपका नाम नहीं। तो भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। नमस्ते, रहते हैं। वैसे मैं आगरा से हूँ और मैं उस तरफ योगा सिखाता हूँ। अच्छा, और भाई साहब ने एक बात बोली कि अगर ऋषिकेश का जंगल देखना हो तो मैडम का चैनल देखो। देखते रहो बस, मैं तो महीनों मोनिवा गुफा पे रखी रहा, 3-3 महीने। अच्छा जी, हमारे संग वही सोता था, वही भोजन बनाते थे, तो मैं रनिंग करते भूतना से चालू होते ऊपर ही रोड रोड। कितने बजे जाते हैं मैडम? ये समझ लो 8। अच्छा 8 बजे सुबह 8 बजे। अच्छा अच्छा, फिर तो वैसे तो जानवर नहीं मिलते होंगे फिर तो। इतने जानवर देखे 8 बजे? मैंने एक बार तो चीता, कितनी बार देखा हमें नहीं मिले, हम तो सुबह जाते हैं 6:30 बजे। मैंने तो हजार बार देख देख के मैं थक गया भाई। अच्छा, भूतनाथ से ऊपर जाते हैं ना वो जंगल, तो आज तक अटैक नहीं हुआ ना कभी? नहीं किया, तो इतनी बार हुआ है कि हाथी ने तो मारते मारते, हाथी को छोड़ के बाघ वगैरह, बाघ ने कभी नहीं, बाघ ने कई बार देखा ऐसे बैठे देखा, हाथी तो नहीं, हाथी की तो गारंटी नहीं है, अगर हाथी के बच्चे होंगे तो वो जरूर। कितनी बार देखा? नहीं वो नहीं करता। 2 साल पहले मैं रनिंग करते आ रहा था मौनी बाबा से, तो टाट वाले बाबा की गुफा है ना, वहाँ तो है हाथियों का रास्ता, तो मैं आ रहा हूँ, मैं जेब में छोटा फोन रखता हूँ, बड़ा नहीं रखता,
चाकू। इसमें पुराने गाने भरे होते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो क्लियर के जंगल का जानवर है वो हट। हाँ, वो आवाज से हो जाते हैं थोड़ी। हाथी उधर से आ रहा था लक्ष्मण झूला से, तो उसने एक आवाज दी, तो मैंने सोचा मैं ऊपर गांव के बच्चे आ रहे हैं। हाँ। फिर दूसरी आवाज दी उसने, मैंने सोचा मोरिया हो गया। बेचारा पूरी आवाज दे रहा है कि हट जाओ। उसे नीचे आना था। हाँ। वाक खाले की तरफ झरने। हाँ। हाँ, झरने में जहाँ से मैं ऊपर चढ़ती हूँ ना। हाँ, जंगल में से जाके उसी रास्ते, वही रास्ता है हाथी का। तो जब तीसरी आवाज दी तो मैंने अलर्ट किया दिमाग ने एकदम, यार हाथी तो नहीं। मैं जैसे ही देखा तो छिपके खड़ा है टाट वाले गुब्बारे गुफा के और रस्ते से नीचे, उसकी सूढ़ा दांत सामने। ओरे मेरा हाथी, मैं भागा, मैं वही भागो। फिर मैं खाई में नीचे कूदा, एक हफ्ते ही लगा कि हाथी मेरे पीछे पीछे भाग। देखा, एक तो भाई साहब के बताने का तरीका बड़ा अच्छा था, और जो जंगल प्रेमी है ना वो फिर भी जंगल में जाएंगे जाएंगे, हाथी की तो कोई गारंटी नहीं है। बहुत तेज हवा चल रही है, देखो। छत पे गए हुए अरसा हो गया, कितना जबरदस्त मौसम लग रहा है ना। बिजी इतने हम, टाइम ही नहीं मिलता। स्टार्टिंग में चढ़ाई मिल जाती है, पेड़े बाहर आते हैं। घर से निकलते ही मिल जाती है ना एक्चुअली। यहाँ बंदर बहुत है, बहुत ज्यादा। ये पहचानने लगा है अब। रो रो के चलने से अच्छा पहले वार्म अप कर लूं, हो तो जाएगा धीरे धीरे, पर भद्रकाली के ऊपर जाके होगा। इस टाइम ना वापस आते हुए ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, और जो जो हमारा टाइम है उस टाइम कम लोग जाते हैं। हम पहले भी ऐसे ही जाते थे, फिर शर्मा जी ने जब चैनल बनाया तब बोलते थे कि 5 बजे जाके आके 6 बजे तक आ जाओ, फिर सो जाओ, फिर बाद में कोई वीडियो बनाओ। देखो एक्सीडेंट हुआ है शायद यहाँ पे कहीं, क्योंकि ऐसे टायर के निशान भी लग रहे हैं ना। अरे भाई तो सो रहा है अंदर। ऐसे टेढ़ा खड़ा करके सो रहा है भैया। आप लोगों से ना भद्रकाली के ऊपर ही मिलूंगी, क्योंकि यहाँ स्पीड चाहिए अच्छी। कितना अच्छा पेड़ लगा ना, मुझे दूर से दिखा, बहुत सुंदर लग रहा है। ना इधर जो जंगल है ना वहाँ जाने का मन करता है। देखो कितने लोग वापस आ रहे हैं, उधर से सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। हर की धूम का तो डगमगाया हुआ है प्रोग्राम, क्योंकि उस टाइम ना पेपर हैं ज़्यादातर सबके, तो कई लोगों ने मना कर दिया। अब आगे पीछे कब करना है वो देखना पड़ेगा। वो अंकल आ रहे हैं ना, मैं कहा बहुत लंबी वॉक करते हैं, नीचे से सीधा रोज ओणी बन जाते हैं। कल जो शादी का टॉपिक चला था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के लिए। जैसे हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने तब मना किया कि मैं शादी नहीं करूँगा नहीं करूँगा, करते करते बहुत उम्र हो गई, फिर बाद में मिले नहीं, लड़कियाँ नहीं मिली। क्योंकि हम लोकल में क्या होता है, या तो देखिए पंजाबी फैमिली हो तो उसमें देर से हो जाती है, या फिर बाहर करनी है वही दोनों लड़का लड़की रुके हुए हैं। और वो करंट मुद्दा इसलिए लगा कि हम भी शिवांगी से कह रहे हैं, मैंने कहा बेटा या तो बिल्कुल करियर पे 1-2 साल ध्यान लगा ले अच्छे से, बिल्कुल कर रही है डबल जॉब कर रही है, पर मैंने कहा बढ़िया ध्यान लगा ले, फिर 25-26 तक शादी कर ले। ये देखो अब पेड़ को किसी की ज़रूरत नहीं है, खड़ा हो गया सीधा। वरुण भैया वगैरह के पेड़ भी दिखाने हैं, अखिलेश भैया का भी पेड़ दिखाना है कि कहाँ लगाया, उसने बोला तो है मेरे को लगा दिया, पर पूछूंगी कि किधर लगाया। आज पूरे आगे तक जाऊंगी अपने एक्सरसाइज पॉइंट तक, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। सुना दो कबूतर तो हवा से मर गए, हवा की उससे आवाज से मर गए, मतलब गाड़ी जा रही थी हवा लग गई, वो हार्ट अटैक आ गया होगा इनको। मैं ना कल भी आई थी यहाँ पे, तो तब मुझे पता चला कि ये हवा से मर गए बेचारे। वो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, बीच बीच में क्या होता है ऐसी चीज़ें दिख जाती है, मैं दिखाने लग जाती हूँ, क्या करूँ, नेचर भी तो देखती चल रही हूँ बातों बातों में, और देखते चलो तो ही आनंद आता है। मतलब ऐसा कहाँ मिलेगा कि दोनों तरफ खूब सारे पेड़ हों और आप बीच में चल रहे हो, रोड है पर आप चल रहे हो तो ऑक्सीजन पूरी ले रहे हो।
जल्दी शादी वाली बात का शर्मा जी ने भी जिक्र किया था कि 25 साल और 21 वो बिल्कुल ठीक रहती है। देखिए आजकल क्या होता है, दोनों कमाते हैं, लड़का भी और लड़की भी। पहले सिंगल लड़की कमाती थी, लड़का कमाता था। अब क्या हो रहा है कि बच्चे ना करियर पे, चलो करियर बुरी बात नहीं है, बना लें, लेकिन क्या होता है शादी की एज में ना पढ़ते पढ़ो 25 तक अपने अच्छा, अगर पढ़ाई करके, पढ़ाई के साथ साथ कोई कोर्स करके करियर बन सकता है। हम लोकल्स में क्या होता है कि शादी की एक एज होती है, फिर अगर बच्चे इधर उधर भटक के कि भाई नहीं पसंद आया बाप ढूंढो या नहीं पसंद आई आप ढूंढो, फिर फंसते हैं पेरेंट्स भी, या कुछ गलत निकल आती है उनकी वो, तब फंस जाते हैं। तो इस चक्कर में उम्र निकल जाती है। और जब एज होती है ना, हर चीज़ की कोई सीमा होती, मतलब लिमिटेशन होती है आपकी पावर की, आपके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं, मेंटली स्ट्रेस होता है, बहुत सारे, तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। भैया बेर आ गए इतने बड़े बड़े, मैं भी कहूँ कि पीले पीले क्या दिख रहे हैं, वाह तो भरा पड़ा है। अब हमारे सौरभ भैया कहेंगे बंदरों के हिस्से का बेर खा जाती है, लगाती तो है नहीं पेड़। ये सोचने वाली बात है, सब ग्रुप के लोग मिल गए हैं कह रहे कहाँ जा रही आगे, मैंने कहा क्योंकि वो बता देते हैं ना कि आगे कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा एक बार टच कराऊं, प्रणाम कराऊं जाके एक्सरसाइज पॉइंट तक। आपको ऐसा लग रहा होगा आपकी भी रनिंग हो रही है। मैंने एक बहुत बड़े टॉपिक पे, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ, कल बनाऊँ या परसों बनाऊँ जब टाइम मिलेगा तब। प्रीति ने मुझे धोखा दे दिया, बोली आऊँगी और आई नहीं। ये हमारा एक्सरसाइज पॉइंट है, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, वैसे साफ हो गया अब तो एक्सरसाइज के लिए। तो भी कल ऐसे इशू उठा शादी का कि भाई, और एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे साथ भी चल रही हैं ये बातें, मतलब मैं भी शिवांगी को बोलती रहती हूँ जब वो गायब हो जाती है ना, मतलब दो चार दिन बाद बात करती है या थोड़ा गैप हो जाता है कि भाई शादी मतलब क्या कर रही है। एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर ये होते तो उसके बाद इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन अभी रहती है एक टेंशन कि एक सही एज में 25-26 साल तक हो जाए तो वो ठीक रहती है। आप भी अपनी ना राय बताइए। शर्मा जी ने रिस्ट्रिक्शन दी हुई है उनको, कुछ शादी करनी है तो इस उसमें मतलब इस तरीके से बोला हुआ था, और वो बात रखती है कि भाई मतलब उसको पता है कि लिमिट्स क्या थी। अब एक शादी का इंसिडेंस आया कि भाई आपकी क्या राय है। हमारी तो ये है कि क्योंकि हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, एक सही एज में शादी हो जाए, सही एज में बच्चे मतलब फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि ना पहले बच्चे कहते हैं हम सेट हो जाएं, हैं, फिर जब शादी होती है फिर वो कहते हैं कि अभी फैमिली प्लान वो नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि क्या कहते हैं अभी उन बच्चों के लिए जोड़ना है, मतलब आगे जो आने वाले जो अभी मतलब है भी नहीं उनके लिए जोड़ना है। उसमें क्या कहते हैं बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ये टेक्निकल कह लीजिए इसको, ये है बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल ही पुराने जो थे कि वो बिल्कुल ही छोटी उम्र में कर देते थे वो बिल्कुल ही गलत था, लेकिन 21 से 25 के 25-26-27 के तक के मुझे ठीक लगता है उसमें कि बच्चे जैसे अब घर में कई बार नहीं करते तो हमारे को भी बोल देते हैं मम्मी नहीं करे पढ़ेगी तो शादी कर देंगे, बस भाई अब भाई नहीं पढ़ रहा बच्चा तो शादी कर देंगे, अपनी जब ख़त्म तो करनी है मतलब जिम्मेदारी, क्या ज़रूरी नहीं होता कि सभी ऑफिस जाए सभी वो करें। तो ऐसे मैंने डराने के लिए उसको बोल दिया और वो चैनल पर भी आ गया। एक आदमी ने इतने घटिया कमेंट करे, इतने वाहियात कमेंट करे, मैं देसी स्टाइल में बोल रही हूँ, अगर वो मेरे सामने हो, अगर कुछ कैमरे में से ऐसे निकलने की कुछ वो होती ना तो मैं वहीं से घुस के उसको थप्पड़ मारती खींच के बिल्कुल। आप ये बोल कई बार नहीं बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे थोड़ी लैंग्वेज, सामने वाला भी तो कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है आप एक औरत के बारे में कि इसको तो पति के मरने का इंतजार था, ये बेटी को भगा रही है, छोटी बेटी को भी मतलब बड़ी तो वहीं रहती है, छोटी को भी शादी करके भगाना चाहती है और इसको तो आदमी चाहिए। तुम्हें शर्म कर जाओ, आपके घर में आप अगर जिस आदमी ने बोला उसके घर में किसी बेटी और उसकी माँ या किसी के साथ हुआ होगा ना, उनसे जाके पूछो कि किस तरीके से रहती हैं औरतें। अभी एक लेडी से मेरी बात हो रही थी, उनकी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी,
24 साल की उम्र में उनके हस्बैंड, 24 साल की थी तो हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बच्चा 27 का है, बेटी 22 की है। तो उन्होंने मेरे से बात की, वो बहुत इमोशनल थी कि साक्षी जी मेरे पति ने मेरे को आपके जैसा क्यों नहीं बनाया, मेरे को अब दुख होता है। कह रहे घर वालों, रिश्तेदारों, बाहर वालों के पास ना एक सिंपल सा हथियार होता है, अगर हस्बैंड के जाने के बाद वाइफ कुछ करना चाहे तो उसको बदनाम कर दो, सीधा सा हिसाब होता है, बदनाम कर दो तो वो निकलेगी नहीं अपने आप कि भाई ये वहाँ जाती है ये करती है। तो ऐसा ही इस बंदे ने करा था, पर मैं तो डरने वाली हूँ नहीं क्योंकि मैं रहती हूँ। मैंने बोला अब तो आप अपनी ज़िंदगी जियो, आप मेरी एज की हो, सेम अब इस एज में आ गई हो। हमारी मम्मी को ये बोलते थे कि घूमो फिरो, और वो खूब अपनी फ्रेंड्स के साथ, उनको कई बार वो मसूरी भी गई, यहाँ पे आई थी, शायद मेरे ख्याल से चैनल था नहीं, 15 जब फ्रेंड्स आई थी उनकी, पता नहीं चैनल पे शर्मा जी ने लिया था कि नहीं लिया था, यहाँ पे आई, गंगा आरती भी देखी, रुकी भी, मतलब खूब इंजॉय किया, भद्रकाली तक उनको वॉक भी करा के लाई, हाँ शायद चैनल था हमारा उस टाइम पे, तो वॉक भी करा के लाई और बताया कि मैं उनको वहाँ ले गई थी जहाँ मैं वॉक करके आती हूँ। फिर उसके बाद मसूरी घूमने भी गई। अब कोई ऐसी लेडीज़ और ज़्यादातर कोई मतलब वैसी भी थी और दोनों मिक्स थी सारी, मतलब शादीशुदा जिसमें थी भाई और वीडो वैसे भी थी, तो दोनों करके घूमने चली गई। क्या जुल्म कर दिया, मतलब क्या जुल्म हो जाता है ये, आदमी चाहे कुछ भी करता रहे, आदमी औरत के बाद तुरंत, कितने मैंने कितने किस्से सुने हैं, मेरे को आके लोग बताते हैं 13वीं का इंतज़ार नहीं किया शादी कर ली, उस बरसी का इंतज़ार नहीं किया शादी कर ली। अगर औरत कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ अगर शब्द बच्चे से बोल रही है, उसको कुछ चीज़ सिखा रही है, तो उसमें बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। या मानसिकता को बदलो, ये शर्मा जी को जब चाहने वाले कुछ है ना, एक आधे जो मेरे को घटिया कमेंट कर देते हैं तो मैंने उनको सीधा रिमूव कर दिया, तो वो ऐसी सोच नहीं रखते थे। वो तब बोलते थे किसी दूसरी औरत के बारे में जब किसी ने मेरे ऊपर कोई कटाक्ष कसा हो, मेरे ऊपर कई लोग, क्योंकि वो मेरे को जैसे शुरू शुरू में क्या था कि कपड़े, जैसे मैं सूट पहनती थी तो धीरे धीरे वो मुझे ट्रैकिंग के कपड़ों में लेके आए कि भाई ट्रैक करना है, तो कुछ लोग बोल देते थे कि टाइट है, मतलब इस तरीके से है, या ट्रैक है, अच्छा नहीं लगता। वो कटाक्ष तब खरीद करते थे कि अगर आपकी पहन सकती है तो मेरी क्यों नहीं पहन सकती, वो ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते थे, बिना बात में किसी के बारे में नहीं बोलते थे। तो आप उनका नाम लेके ना मेरे को बदनाम करने की कोशिश मत करो, आप खुद को झांक के देखिए। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, वो तो मैं थोड़ी तमीज़ में बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी देसी स्टाइल में आ जाती ना तो मैं सच में अपने पति से कम कोई हूँ। मैं माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और बे मतलब औरतों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। अगर कोई कर रही है, स्ट्रगल कर रही है और अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रही है, खासकर बच्चियों को, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, और मतलब उसकी हिम्मत बढ़ाना तो दूर, उसको और डाउन करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेट जरूर लगाएं।